नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर जीवन में पैसे रुपयों की तंगी है, अगर आप परेशानियों से घिर गए हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, पैसा आपके पास टिकता नहीं है या फिर पैसा घर में आता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। रामचरितमानस से आपको उपाय बताएंगे चौपाई के साथ। इस चौपाई का बस आपको जाप करना है और खास करके मंगलवार के दिन कीजिए, सुबह सुबह 11 बार लिख लीजिएगा इस चौपाई को और इसका जाप कीजिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, अगर रुपए पैसे की दिक्कत है या फिर जिस प्रकार की आपकी कामना है, वो सारी सिद्ध हो जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामचरितमानस जो है, इसमें कहा भी गया है कि राम नाम ही है जो जीवन में सुख समृद्धि दे सकता है, मुक्ति दे सकता है और जो भी चीज की कामना है वो चाहिए, नाम धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम उस चौपाई के बारे में आज जिक्र करेंगे जिसको बोलने के बाद आप अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकेंगे और अगर आपका कोई मनोरथ है उसे सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि मनोरथ मतलब कि आपके मन में कोई कार्य है, जैसे कि किसी को नौकरी पाने की इच्छा होगी, किसी को दुकान खोल रखे हैं लेकिन वो चलता नहीं है, पैसा नहीं आ पाता है, या फिर किसी की जॉब नहीं लग पा रही है, किसी को किसी एग्जाम में क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए तो एक अलग चौपाई है। लेकिन इसमें तो सर्व सिद्धि के लिए कोई भी हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर पैसे से रिलेटेड हो, लेकिन मुख्यतः ये पैसे के लिए, सुख समृद्धि के लिए अगर आप इस चौपाई का जाप करते हैं, खास करके मंगलवार के दिन आपको करना है सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद 11 बार, तो आप देखेंगे कि महीने दिन के अंदर में आपके अंदर बदलाव आने लगेगा, आपके पैसे रुपए की दिक्कत जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी, दूर होने लगेगी। भगवान राम को एक बार स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए मन में और जय श्री राम या जय श्री सीताराम कमेंट में जरूर लिखिए। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस चौपाई के बारे में जानते हैं। एक बार आंख बंद करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए, इसके बाद कॉपी कलम ले आइए और कॉपी कलम लेकर के नोट कर लीजिए। वीडियो को चाहे पॉज कर दीजिए, कॉपी कलम लाइए, नोट कीजिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। अगर आपको लगता है कि आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे, तो आप इतने से वीडियो को चाहे तो कट भी कर सकते हैं या फिर पीछे करके श्रवण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सुनने से भी बराबर फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये चौपाई बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव लाती है और जो लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करते हैं, रामचरितमानस का पाठ श्रवण करते हैं, उनके जीवन में रिश्तों में दिक्कत आ रही है, पैसों में दिक्कत आ रही है, ये सब दूर हो जाती है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण जरूर कीजिए, रामचरितमानस की कथा का श्रवण जरूर कीजिए। आपके लिए आज तो बहुत सारे माध्यम भी उपलब्ध हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण कीजिए। आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे जो कथावाचक हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के, रामचरितमानस के, वो भी उपलब्ध हैं। आज तो आपके लिए यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, जैसे कि आपको कुमार विश्वास जी भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा के बारे में वर्णन करते हैं और भी हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण जरूर करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेगा और आपको पैसे रुपयों की दिक्कत है, रिलेशनशिप्स की दिक्कत है कि रिश्तों को कैसे आपको व्यवहारिक रूप से सही लेकर के चलना है, या फिर जिस प्रकार की समस्या आ रही है वो सारी समस्याएं जड़ से मिट जाएंगी और आपकी गरीबी और पैसे की तंगी जो है, रिश्तों की लड़ाई टकराहट जो है, वो सब मिट जाएगा। एक बार लास्ट में और सुन लीजिए ध्यान से। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। यानी कि सकल मनोरथ, सारे मनोरथ जो है भगवान खुद पूरा कर देते हैं आपके, अगर आप इनकी कथा के बारे में श्रवण करते हैं, उन आचरण को अपने अंदर धारण करते हैं। चूंकि भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसको समझ करके अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि ये सही कर्म होता है और जब सही कर्म हम करते हैं तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, यानी कि कर्म प्रधान
स्थान ये पृथ्वी है, पृथ्वी लोक में जो भी लोग हैं ये कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। और आप जब सुनते हैं रामचरितमानस को तो इसको ध्यान से अपने जीवन में आत्मसात भी कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चौपाई का श्रवण भी करते हैं जो हमने आपको बताया, या फिर आप 11 दिन तक ये ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह स्नान ध्यान अच्छे से करके इसके बाद आपको बैठ जाना है अपने घर के मंदिर के पास, या फिर अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर रख लीजिए, वहाँ पर बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि मंदिर हो, वहाँ पर आपको बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं होना चाहिए, लैट्रिन के पास में आपका कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। जहाँ मंदिर हो वहाँ सफाई रहना चाहिए। वहाँ पर स्नान ध्यान करके धूप दीप जला दीजिए और इसके बाद बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए, क्योंकि कलयुग में जो एकमात्र वो देवता हैं जो रह गए हैं और भगवान के सबसे प्रिय हैं, भगवान के यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे प्रिय हैं कोई तो वो हनुमान जी हैं। वो कहते भी हैं कि भरत के जैसे हमारे भाई हो। जी हाँ, भगवान राम का आप जब रामायण पढ़ेंगे तो कहते भी हैं कि भरत के जैसे तुम भाई हो, भाई की तरह मानते हैं वो हनुमान जी को। और हनुमान जी जो हैं वो अपने को सेवक मानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो अगर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं या भगवान प्रसन्न होते हैं, श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं, माता सीता प्रसन्न हो जाते हैं, और जिन पर रघुनाथ की कृपा हो, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, उनका कोई क्या ही बिगाड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय। याद कीजिए भगवान को और अपने जीवन में जो भी कठिनाई है इसको बोल दीजिए। उसके बाद जब आप हनुमान जी का ध्यान कर लेते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर लेते हैं, 11 बार इस चौपाई का आप जाप कर लेते हैं, इसके बाद क्षमा का जो विधान है वो है। क्या करना है? हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ और मुझे समझ नहीं है, जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। और इसके बाद मैं आज से अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा, मेरी जितनी समझ है मैं बेस्ट करूंगा, मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करें, मेरे जीवन में सुख समृद्धि या जो भी आपकी इच्छा है मन में उसको बोल दीजिए ईश्वर से। हाँ, सही इच्छा होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी के लिए आप मांग रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर कुछ भी अहित करने का, ऐसा नहीं। बस आप अपने हित की बात कर सकते हैं और करिए, देखिए भगवान जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि या जो भी चाहते हैं सब कुछ हासिल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये वीडियो आज की यहीं तक, ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जाते जाते एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी वीडियो को कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद।